तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द जनरल प्लॉग टू तो द कैंटरबरी टेल के अंदर जो तीसरा कैरेक्टर है द योमैन उसका जो जनरल प्रयोग है उसकी ट्रांसलेशन को आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको ना एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो जाफरी चौसर है ना उसने ना कैंटेपरी टेल के अंदर ना इस करेक्टर को यानी योमन को और इससे पहले जो करैक्टर था द स्क्वायर इन दोनों करेक्टर्स को ना उसने ऐसे मतलब बयान किया है कि आप ये समझ लें कि ये दो करेक्टर जो थे ना क्योंकि ये नाइट के साथ है यानी सबसे पहले हमने नाइट को देखा उसके बाद स्क्वायर उसके बाद ये योमन अब ये जो दो करेक्टर थे ना स्क्वायर और योमन ये भी नाइट के साथ थे लेकिन ये कैसे उसके साथ

के आजीमैन हैड ही सर्वेंट्स ने मोर अच्छा यूमैन हैड ही यहाँ पे ही जो है ना यहाँ पे फिर से नाइट का रेफरेंस दिया जा रहा है कि नाइट की बात की जा रही है कि जो नाइट था ना उसका एक यूमैन भी था तो पहले ना मैं आपको योमन जो है ना ये करेक्टर इसके बारे में बतायाता हूँ कि योमन बेसिकली होता क्या है यूमन जो होता है ना ये होता है कि अ सर्वेंट इन अ रॉयल और नोबल हाउस होल्ड रैंकिंग बिटवीन अ सार्जेंट एन अ ग्रूम और अ स्क्वायर एन अ पेग मतलब आप समझ लें कि ये ना किसी शाही घरने के अंदर न एक मुलाजिम होता है यानी एक नौकर होता है मुलाजिम होता है जिसका जो रैंक होता है ना वो आप समझ लें कि एक सार्जन जो होता है यानी अफसर जो होता है वो और जो घोड़ों का रखवाला होता है जो घोड़ों की देखभाल करता है इसके दरमियान इसका रैंक होता है मतलब साजेंट और ग्रूम के दरमियान का इसका रैंक होता है उसके अलावा एक स्कवायर और पेग यानी एक गुलाम जो होता है उसके दरमियान का भी इसका रैंक होता है मतलब ना तो ये पूरी तरह से गुलाम होता है ना तो ये स्क्वायर होता है उसके दरमियान में ना इसका रैंक होता है इसीलिए ना चौसर यहाँ पे कह रहा है कि अमन हैड ही यानी जो नाइट था ना उसके साथ एक योमन भी था एंड सर्वेंट ने एक सर्वेंट से ना ज्यादा कुछ भी नहीं था मतलब वो एक तरह से ना उसका सर्वेंट ही था ना एट टाइम for him. ले जाने के लिए ना इसी योमन को किया. मतलब आप समझ लेना चाह रहा है कि मतलब ये जो टाइम था ना जब नाइट ने डिसाइड किया कि मैं पिलग्रमेज का जो सफर है वो करूंगा तो उस टाइम जब उसने लिस्ट बनाई ना जब उसने मतलब प्रेफर करना चाहा कि किसी को तो उसने अपने बेटे यानी स्क्वायर को प्रेफर किया वो तो हमने पहले उसको पढ़ लिया और ये जो इसका जो सर्वेंट है योमन इसको यानी प्रेफर किया यानी इसको अपने साथ ले जाना उसने ज्यादा जरूरी समझा या अच्छा समझा ये वो यहाँ पे कह रहा है चौसर फिर कहता है एंड ही वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन क्लैड का मतलब होता है ड्रेस यानी लिबास इन कोट कोट यानी कोट जो ऊपर पहनने वाला कोट होता है एंड हुड ऑफ ग्रीन हुड का मतलब है यानी सर के ऊपर जो कैप होती है टोपी वगैरह होती है वो उसने ग्रीन कलर की पहनी थी यानी इसने ना ड्रेस के ऊपर एक कोट पहना हुआ था और ग्रीन कलर की हुड थी यानी कैप इसने पहनी हुई थी अीफ ऑफ पी कोक एरोस ब्राइट एंड कीन अच्छा शीफ ये वर्ड है ना शीफ शीफ का मतलब होता है बंडल यानी कोई चीज़ है वो बंडल की शक्ल में है यानी एक से ज़्यादा यानी ग्रुप की फॉर्म में है ऑफ पी कोक पी कोक यानी मोर की बात करते हैं यहाँ पर पीकोक मोर arrows, एरोस एरोज यानी तीर ब्राइट एंड कीन कीन का मतलब होता है तेज ब्राइट यानी चमकने वाले कीन यानी तेज यानी शार्प अच्छा यहाँ पे ना वो जो चौसर है ना वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वो जो योमन था ना अब उसके बता रहा है कि उसके पास क्या था उसके पास क्या था उसके पास ना एक बंडल था किस चीज का पीकॉक पीकॉक यानी का मतलब है यानी एरो तीर कमान में चलाने वाले जो एरो होते हैं तीर होते हैं वो पीकॉक एरोज थे यानी उनके पीछे मोर के पंख लगे हुए थे उन तीरों के पीछे वो वाले जो मतलब तीर थे ना उनका बंडल था इसके पास ब्राइट एंड कीन और वो वाले तीर थे ये जो कि चमक रहे थे एंड कीन और बहुत ज्यादा तेज थे मतलब उनके जो पर थे ना जो पीछे पीकॉक मतलब पर जो लगे हुए थे पीकॉक के वो ब्राइट थे और जो एरोस थे ना वो कीन थे यानी वो बहुत ज्यादा तेज थे यानी शार्प थे अंडर हिज बेल्ट ही बोर फुल थ्रिफ्टली अब कहता है कि ये जो तीर उसने ऊपर बताया ना कि वो जो तीर जो थे जो कि पीको के तीर थे एरोस थे जिनके पीछे मतलब मोर के पर लगे हुए थे वो वाले जो एरोस थे उनका जो बंडल उसके पास था ना वो अब उसने कहाँ पर लटकाया हुआ था वो यानी अंडर हिज बेल्ट यानी अब उसने ना अपनी कमर के ऊपर एक बेल्ट बांधा हुआ था ही बोर वहां पर ना उसने ये जो एरोस थे ये जो तीर थे ये वहां पर लटकाए हुए थे फुल थ्रिफ्टली थ्रिफ्टली का मतलब होता तो है केयरफुली यानी बहुत एहतियात के साथ यानी बहुत केयर के साथ ना उसने ये जो एरोस थे ये अपने बेल्ट में लगाए हुए थे या वहां पर लटकाए हुए थे वेल नोड ही ड्रेस हिज टैकल ही मैनली अच्छा वेल नोड नोड का मतलब है न्यू टल यानी टेकल योमैनली यानी योमैनली अच्छा वेल न्यू न्यू वेल न्यू का मतलब है यानी ये बहुत अच्छी तरह से जानता था ही ड्रेस ड्रेस का मतलब है प्रिपेयर यानी तैयार करना हिज टैकल टैकल यानी मुसीबतें या मतलब अपने औजार यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं टैकल का मतलब मतलब अपनी जिम्मेदारी या अपने टूल्स या गियर्स यानी वो वाले टूल्स जो कि ये अपने काम में इस्तेमाल करता था योमनली यूमेनली का मतलब है यानी कोई भी जो योमन होता है ना जो एक सर्वेंट होता है तो वो जो योमन होता है ना जिस तरह से वो केयरफुली अपने सारे काम करता है या टैकल जो होते हैं उसके जो टूल होते हैं उनको जिस तरह से यानी वो प्रिपेयर करके कर रखता है ड्रेस का मतलब है प्रिपेयर करना यानी तैयार करना या उनको संभाल के रखना तो ये वाला जो काम होता था अपने मतलब टूल्स को संभालना या उनको अच्छी तरह से यूज करना यह जो काम था ना ये वो एक अच्छे यौमन की तरह अच्छी तरह अच्छी से जानता था बार एरोज अच्छा, थे ना वो क्या थे dropped, dropped not, वो नीचे नहीं गिर रहे थे क्यों गिर रहा था विदर्स क्योंकि वो जो पंख लगे हुए थे ये जो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि पीकॉक एरो

ये है कि वो उनको नीचे नहीं गिरने दे रहा था एंड इन हिज हैंड ही बॉर अ माइटी बो यानी योमन के हाथ में क्या था कि अ माइटी माइटी बो। यानी एक शानदार या बड़ा पोह यानी कमान यानी पहले हमने ना ऊपर तीर की बात कर ली अब यहाँ पे जो, जो चौसर है ना वो उसके कमान की बात कर रहा है यानी तीर कमान होता है ना पहले तीर बता दिया अब कमान जिसमें से तीर चलाते हैं यानी पहले उसने कहा कि उसके पास मोर के पंख वाले तीर हैं जो कि परों के वजन की वजह से भी नीचे नहीं गिर रहे अब यहाँ पे चौसर कह रहा है कि उसके हाथ में ना एक कमान भी था जो कि माइटी था यानी यहाँ तो यहाँ पे माइटी का मतलब बड़ा हो सकता है या फिर शानदार यानी बहुत अच्छा मतलब उसके हाथ में ना एक अच्छा शानदार कमान भी था नोट हीड हैड ही a ब्राउन विजेज अच्छा not head, नॉट head का मतलब हैड ब्राउन का मतलब है ब्राउन मतलब ये जो हीड का वर्ड है ना इसका मतलब अगर आज की डिक्शनरी के मुताबिक देखे ना तो इसका मतलब होता है अटेंशन देना लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स के लिहाज से देखे ना और पैराफ्रेजिंग में जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है वो यहाँ पे मीनिंग है नॉट हीट का मतलब है यानी बॉल्ड यानी गंजे सर वाला यानी जिसके सर के ऊपर बाल नहीं थे यानी क्रॉप्ड हेड नॉट हेड हीड का मतलब ये भी है क्रॉप्ड हेड यानी जिस तरह से फसल जो होती है ना वो काट देते हैं क्रॉप्ड हो जाती है उसी तरह से काफी कम थे

काम होते ना वेल नोड यानी उन सब को ये अच्छी तरह से जानता था मतलब की हुई थी ये काफी माहिर था. किस काम में, Woodcraft में लकड़ी के काम में यानी कारपेंट्री में ना ये बोर अ गे ब्रेसर ब्रेसर का मतलब होता है पिक्चर लगा रहा हूं आपको समझ आ जाएगी ब्रेसर कहते हैं बाजूबंद यानी ये वो वाला बाजूबंद होता है जो कि ना उस टाइम या अभी भी ना काफी मतलब यूज होता है और ये इसलिए होता है कि जब आप तीर कमान चलाते हैं ना तो तीर की मतलब वो जो स्टिंग होती है ना जो रस्सी होती है वो आपके बाजू पे लग ना जाए उसको बचाने के लिए ये जो बाजू बंद है ये यूज किया जाता है और वैसे भी यानी फैशन के तौर पर भी ये यूज होता था तो यहाँ पे मतलब ये है चौसर का कि ये जो यौमन था ना इसके हाथ के ऊपर ना एक गे ब्रेसर गे का मतलब होता है ना वो गे का मतलब था खुश यानी यहाँ पे मतलब है गे का यानी चमकदार या बहुत अच्छा ब्रेसर यानी बाज़ूबंद यानी वो जो यौमन था ना उसके हाथ के ऊपर ना एक बहुत अच्छा शानदार किस्म का ना एक बाजूबंद था ब्रेसर यानी बाजूबंद था एंड बाय ही साइड अ स्वर्द एंड अ बॉकलर साइड यानी साइड स्वर्ड यानी स्वॉर्ड बॉकलर यानी बकलर अच्छा फिर यहाँ पे ना चौसर कहता है कि वो जो योमन था ना उसके एक साइड पे ना क्या था कि एक स्वर्ड थी यानी तलवार थी एंड आ बकलर बकलर का मतलब है शील्ड यानी ढाल यानी जिससे आप कोई हमला वगैरह रोकते हैं या उस टाइम में यानी फोर्टीन सेंचुरी के अंदर ये काफी फेमस थी ये शील्ड होना तो उसी तरह से ना उस यौमन की एक साइड पे ना एक तलवार थी और एक बकलर यानी शील्ड थी एंड ऑन दैट अदर साइड अ गे डैगर और दूसरी साइड पर यानी पहली साइड पर तो उसने बता दिया ना कि एक तलवार थी और एक बकलर यानी शील्ड थी तो उसी तरह से चौसर कह रहा है कि उस योमन के ना दूसरी साइड पर क्या था कि गे डैगर गे का मतलब मैंने पहले भी बताया कि एक शानदार या अच्छा डैगर यानी चाकू डैगर कहते हैं चाकू छोटा चाकू तो यानी दूसरी साइड के ऊपर उसके पास ना एक चाकू था हार्नेस्ट वेल एंड एज पॉइंट ऑफ स्पेयर अच्छा अब पे वर्ड है हार्नेस्ट हार्नेस्ट जो है ना इसके भी दो मतलब है पहला इसका मतलब है कि वेल यूज यानी हार्नेस्ट तो यहाँ पे ना डैगर के लिए यूज कर रहा है चौसर के वो जो योमन था ना उसके पास जो चाकू था ना वो हार्नेस था यानी वेल well यूज था यानी वो एक ऐसा चाकू था जिसको यौमन ने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था यहाँ

रेफरेंस मिल रहा है ग्रीक मेथोलॉजी का ना एक रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर जो है ना ये एक आदमी था जिसका नाम था स्टेन क्रिस्टोफर मतलब ग्रीक मेथोलॉजी में माना जाता है कि ये ना एक ऐसा आदमी था जो कि दरिया के किनारे पर था और जब ये मतलब रिवर को क्रॉस करने वाला था ना तो इसके पास एक बच्चा आया जिसने इसे कहा कि मैंने भी ये रिवर क्रॉस करना है तो तुम मुझे मतलब यहाँ से दूसरी साइड पर ले जाओ तो स्टेन क्रिस्टोफर ने ना उसको अपनी पीठ पे बिठा लिया और स्टेन क्रिस्टोफर को नहीं पता था कि वो बच्चा कौन है तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि वो जो बच्चा था ना वो खुद जीसस क्राइस्ट क्राइस थे यानी वो जीसस क्राइस्ट थे जिन मतलब जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया का जो वजन था वो उनके ऊपर था और स्टेन क्रिस्टोफर ने उनको ऊपर उठाया हुआ था मतलब ये इनके मुताबिक ये मानना है उसके अलावा एक और चीज ये जो करेक्टर है ना स्टेन क्रिस्टोफर ये ना समझा जाता है कि ये जो ट्रेवलर्स होते हैं ना मतलब जो क्रिश्चियन होते हैं ना वो काफी ज्यादा इस चीज में मानते हैं क्योंकि ये जो स्टेन क्रिस्टोफर था ना इसने जीसस क्राइस्ट को

अपने पास रखा हुआ था द बॉर्डरिक वॉज ऑफ ग्रीन बॉर्डर का मतलब है बॉल्ड्रिक बोल्ड्रिक जो है ना बोल्ड्रिक कहते हैं ये ना एक किस्म का बेल्ट होता है जो कि तलवार वगैरह लगाने के लिए या फिर कोई और चीज लटकाने के लिए ना यूज किया जाता है इसकी पिक्चर भी मैं लगा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी तो वो जो योमन था ना उसने ग्रीन कलर का ना बोलड्रिक जो बेल्ट था वो पहना हुआ था जिस बेल्ट के अंदर ना उसने एक सींग जो था हॉर्न यानी सींग जो था बजाने वाला वो लटकाया हुआ था अ फॉरेस्टर वॉज ही सूदली एज आई गैस फिर एंड में ना चौसर कहता है कि ये जो मतलब योमन है ना

वजह से ये अमीर है